नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को यूनिट फर्स्ट आयनिक सॉलिड स्टार्ट करवा रखा था। आयनिक सॉलिड में हम लोगों ने लैटिस एनर्जी स्टार्ट कर रखी थी। लैटिस एनर्जी में मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता दी थी लैटिस एनर्जी से कहते हैं। उस लैटिस एनर्जी को हमने कैलकुलेट किया था बोर्न इक्वेशन से। उसके बाद हमने लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर से स्टडी किए। आज हम इस लैटिस एनर्जी को बोर्न हेबर साइकिल से कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोर्न हेबर साइकिल होता क्या है, किस लिए बनाया गया था इसको, ये सब स्टडी करेंगे। फर्स्ट यूनिट है आप लोगों की ये आयनिक सॉलिड। इसमें आज हम पढ़ेंगे बोर्न हेबर साइकिल। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को जब मैंने लैटिस एनर्जी डिफाइन किया था तो लैटिस एनर्जी में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन हमने स्टडी किया था और हमने ये कहा था कि जो आयन्स हैं, जैसे हम बात करें Na की, कि Na जो है ये पहले गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा फिर आयनाइज्ड होगा, मींस गैस स्टेट के अंदर आके ये आयनाइज्ड होगा। और वैसे ही क्लोराइड भी जो है वो गैस स्टेट में ही है और ये दोनों गैसेस जो है वो कंडेंस होंगी और कंडेंस होने के बाद ये क्या बनाएंगी, NaCl बनाएंगी। कंडेंस होके ये दोनों कंबाइन होंगी और NaCl का फॉर्मेशन करेंगी और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उस एनर्जी को हमने लैटिस एनर्जी कहा था। लेकिन एक्चुअली हर एक आयनिक सॉलिड जो है वो इस प्रोसेस से नहीं बनता है, इस प्रोसेस से नहीं फॉर्म होता है। इसीलिए उन आयनिक सॉलिड्स की, कुछ एक आयनिक सॉलिड्स को तो हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं लैटिस एनर्जी, लेकिन सभी आयनिक सॉलिड्स की हम एक्सपेरिमेंटली लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्ट फॉर्म में। इसीलिए हेबर और बोर्न दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हैज लॉ को यूज किया और कुछ टर्म्स जो है इस तरीके से काल्पनिक टर्म मींस हाइपोथेटिकली टर्म डाली गई कि ये जो क्रिस्टल्स है, ये जो आयन्स है, सॉलिड आयन्स, ये इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। उसमें कुछ हाइपोथेटिकली फॉर्म डाली गई और ये जो हाइपोथेटिकली टर्म थी इसमें से कुछ टर्म्स जो है वो एक्सोथर्मिक थी और कुछ टर्म्स एंडोथर्मिक थी। और ये पूरी जो टर्म एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो टर्म थी ये पूरी एक साइकिल का फॉर्मेशन बना रही थी, इसीलिए इसको क्या कहा गया, बोर्न हेबर साइकिल कहा गया। ध्यान से सुनो, बोर्न हेबर ने हैज लॉ का यूज किया। हैज लॉ क्या कहता है, पहले सबसे पहले हम हैज लॉ ये कहता है, ये आपने थर्मोकेमिस्ट्री में 12th क्लास में पढ़ा होगा कि हैज लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्शन जो है वो एक से ज्यादा पाथ में जब होती है तो टोटल एनर्जी चेंज, या कहें कि उस रिएक्शन की जो एनर्जी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। हैज लॉ, ध्यान से सुनो, हैज लॉ के अकॉर्डिंग कोई रिएक्शन है, मान लो वो एक से ज्यादा पाथ से प्रोसीड हो रही है, मान लो कोई एक रिएक्शन है, एक कोई रिएक्टेंट था और इससे कोई डी प्रोडक्ट बना, ये जो रिएक्शन है ये एक से ज्यादा पाथ से हो रही है। एक तो ये है, यहां पे एंथैल्पी चेंज मींस रिएक्शन की जो एनर्जी है डेल एच, ये पाथ फर्स्ट हुआ आपका कि डायरेक्ट रिएक्शन हुई। एक ये हुआ कि पहले ये ए बी में कन्वर्ट हुआ, बी के बाद ये सी में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद ये डी में कन्वर्ट हुआ, ये पाथ आपका सेकंड हुआ।
चाहे जितने पार्ट से हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले ई में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद ये डी में कन्वर्ट हुआ। ये पाथ आपका थर्ड पाथ है। तीनों पाथ में जो एनर्जी चेंज है वो टोटल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से पढ़ा था कि एंथैल्पी जो होती है वो स्टेट फंक्शन होती है, पाथ फंक्शन नहीं होती है। और रिएक्शन की जो एनर्जी है उसको हम किसकी फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं? एंथैल्पी की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो हैज लो के अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्शन यदि एक से ज्यादा पाथ से प्रोसीड होती है तो हर एक पाथ में टोटल एनर्जी चेंज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या कहें कि रिएक्शन की हीट जो है वो तीनों पाथ में हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हीट ऑफ रिएक्शन पाथ ए इतनी ही हीट ऑफ रिएक्शन होगी पाथ बी की, और उतनी ही हीट ऑफ रिएक्शन होगी पाथ सी की। मींस पाथ फर्स्ट सेकंड थर्ड से दिखाया है तो तीनों पाथ की जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट रहेगी, इक्वल रहेगी। और क्या होगा इस पाथ सेकंड की हम हीट ऑफ कैसे निकालेंगे? ये H1 डेल H2 डेल H3 इन तीनों का टोटल के इक्वल होगी। तो डेल H किसके इक्वल हुआ? डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3। इसी हैज़लो का यूज किया और बोर्न और हेबर ने बहुत सारी इसमें हाइपोथेटिकल टर्म ऐड की। कुछ टर्म्स जो थी वो एब्जॉर्प्शन वाली टर्म थी और कुछ टर्म्स जो थी वहां पे हीट एमिशन हो रही थी। और ये जो सारी टर्म्स को बना के इन्होंने एक साइकिल का फॉर्मेशन किया और उस साइकिल को कहा गया बोर्न हेबर साइकिल। ध्यान से सुनो, बोर्न और हेबर ने हैज़लो का यूज करके कुछ हाइपोथेटिकल टर्म्स बनाई किसके लिए? कि आयनिक सॉलिड इस तरीके से बनेगा, आयनिक सॉलिड इस तरीके से बनेगा, वो टर्म्स हाइपोथेटिकली टर्म इंट्रोड्यूस कराई गई। इसमें हैज़लो यूज किया गया, हैज़लो यूज क्या किया गया? सेकंड पार्ट हाइपोथेटिकली डिफरेंट टर्म इंट्रोड्यूस कराई गई। कुछ टर्म्स जो थी वो एक्सोथर्मिक टर्म थी और कुछ एंडोथर्मिक टर्म थी, और इन टर्म्स से मिलके क्या बन रहे? ये टर्म्स जो है वो आपस में जुड़ के क्या बना रही थी? एक साइकिल फॉर्म हो रही थी। इसलिए इसको क्या कहा गया? बोर्न हेबर साइकिल कहा गया। और इस टर्म्स के यूज करके इन्होंने क्या निकाल ली? लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब देखो इससे हम एक आसानी से कैलकुलेशन समझेंगे। हो सकता है ऐसे आप लोगों को बोर्न हेबर साइकिल नहीं समझ में आया, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का, एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का, इसकी लैटिस एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम दो पाथ लेके चलते हैं, पाथ वन और पाथ टू। देखो पाथ सबसे पहले हम पाथ वन वो पाथ लेके चलते हैं जो बोर्न और हेबर ने हाइपोथेटिकली फॉर्म किया गया था। बोर्न और हेबर साइंटिस्ट ने हाइपोथेटिकली ऑब्जर्व किया था कि ऐसा हो रहा है। मींस यहां पे सारा हाइपोथेटिकली टर्म्स, पार्ट वन में हम सारी की सारी काल्पनिक पाथ यूज करेंगे, और इस काल्पनिक जो टर्म है हिंदी में इसको काल्पनिक पद बोलेंगे, इन काल्पनिक पदों से हम NaCl का फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन एनर्जी कैलकुलेट। देखो क्या कहा था,
ये जो हाइपोथेटिकली टर्म काम में ली गई, ये किससे किससे काम में ली? लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन से काम में ली। लैटिस एनर्जी क्या कहती है कि आयन कैसे बनते हैं? Na क्या होगा? Na मेटल्स की फॉर्म में था, मीन्स सॉलिड था सबसे पहले। Na कौन सी फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था। इस Na को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। सब्लिमेशन एनर्जी वो है जिसमें कोई भी सब्सटेंस विदाउट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो प्रोसेस सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाती है। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी यूज आती है, एनर्जी दी जाती है, वो जो एनर्जी है वो सब्लिमेशन एनर्जी कहलाती है। तो हम सोडियम सॉलिड को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले गैस फॉर्म में। तो मैं आपको टर्म फर्स्ट स्टेप बता रही हूं, सोडियम सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस फेस। गैस फेस में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले हम इसको। क्या करोगे आप? सोडियम सॉलिड को हीट दी, सोडियम सॉलिड को सब्लिमेशन एनर्जी दी गई। सब्लिमेशन एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट किया जाता है। यहां पे S क्या बना? सोडियम गैस बना, सोडियम गैस बना। और ये हमें एक्सपेरिमेंटली हमें याद हो, एक्सपेरिमेंटली हम सब्लिमेशन एनर्जी इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो सब्लिमेशन एनर्जी थी, ये थी प्लस 108.4 किलो जूल पर मोल। हो सकता है ये डाटा ऊपर नीचे हो, हमें डाटा से कोई लेना देना नहीं। लास्ट में मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करना सिखाऊंगी, यहाँ पे आपको तो सब्लिमेशन एनर्जी से लेना देना है। अब देखो यहाँ पे हीट दी जा रही है, इसलिए प्लस, मींस जिस स्टेप में हीट अब्सॉर्ब हो रही है वहां पे हम प्लस साइन लगाएंगे, और जिस स्टेप में हीट रिलीज होती है वहां पे हम माइनस साइन लगाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर? उसके बाद ये सोडियम जो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, अब ये क्या करेगा? आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होगा मींस इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव किया जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, एक इलेक्ट्रॉन जो उसके वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। और ये भी एनर्जी इसको दी जाएगी, तो क्या होगा? Na गैस सेकंड स्टेप क्या है? आयनाइजेशन ऑफ सोडियम। सेकंड स्टेप क्या है? सोडियम गैस का आयनाइजेशन। कैसे करोगे सोडियम गैस का आयनाइजेशन? के लिए क्या दिया जा रहा है इसको? आईपी। आईपी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी जो आप कहना चाहो। आयनाइजेशन पोटेंशियल यहां पे जो दिया जाता है उसकी एनर्जी होती है 495। ये किसमें कन्वर्ट हो गया? आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी वैल्यू होगी 495 किलो जूल पर मोल। आप ये डाटा ऊपर नीचे हो सकते हैं, डाटा आपके वेरी हो सकते हैं, हम डाटा के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम तो टोटल प्रोसेस में आप लोगों को समझाऊंगी कि इस तरीके से लिखते हैं, क्लियर? अब हमारे पास Na गैस की, Na प्लस आयन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम थर्ड स्टेप में हम क्लोराइड बनाएंगे, क्लोराइड गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्लोराइड बनाने के लिए किससे बनाएंगे? क्लोरीन गैस से बनाएंगे। क्लोरीन गैस Cl2 होता है, हमें एटोमाइजेशन करना है इसका, मींस डिसोसिएशन करना है। हमें तो केवल क्लोरीन एटम की रिक्वायरमेंट है, क्लोरीन एटम की फॉर्म में चाहिए। यहां क्या है? मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो इस Cl2 को मुझे कितना चाहिए? एक ही Cl चाहिए, इसलिए मैं हाफ ले रही हूं। हाफ ले रही हूं
तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, मीन्स क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्लोरीन एटम की फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या कर रहे हो आप? क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड तोड़ रहे हो। बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस Cl2 को डिसोसिएट कर रहे हैं। कितना हमें एक Cl मिले, मींस वन मोल तोड़ने के लिए हमें डी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो हाफ Cl2, हाफ मोल क्लोराइड क्लोरीन गैस को डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? हाफ। ये हाफ इसीलिए काम में लिया जाता है क्योंकि हमारे डेफिनेशन में आता है कि वन मोल Na प्लस वन मोल Cl माइनस के साथ रिएक्शन करता है। तो हमें केवल दो Cl नहीं चाहिए, हमें केवल एक ही Cl चाहिए। इसलिए मैं इसको क्या कर रही हूं, हाफ डी एनर्जी दे रही हूं। क्या फॉर्म बनेगा? Cl एटम्स की फॉर्म में टूट गया। अब ये भी गैस ही है क्योंकि गैस की फेस में है। अब Cl गैस से क्या बना रहे हो आप? यहां पे वन ही आएगा भाई। Cl गैस से थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप थी, ये फोर्थ स्टेप थी। फोर्थ स्टेप में इस Cl को क्या करोगे? आयनाइज्ड करोगे। इस Cl को क्या करोगे? आयनाइज्ड करोगे। तो देखो, किसी भी गैसेस पार्टिकल्स में एक किसी भी गैसेस एलिमेंट्स में एक इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस सेल में जोड़ना, क्या कहें, वहां से एनर्जी रिलीज होगी और इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। ये आप लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ ली होंगी। आयनाइजेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल तो गैसियस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो एनर्जी अब्सॉर्प्शन स्टेप है और ये एनर्जी एमिशन स्टेप है। यहां पे क्लोरीन गैस से में एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं और Cl माइनस बनेगा और इससे एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाएगा। जिस उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में क्या होगा, NaCl का फॉर्मेशन होगा। इसको मैं हटा देती हूं यहां से। फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में Na प्लस किसके साथ? Cl माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और NaCl बनाएगा। यहां पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां पे भी एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। डेफिनेशन यही बोली थी, लैटिस एनर्जी। एक प्रोसेस तो ये थी, मींस ये पांच स्टेप में कंप्लीट हुआ, ये आपका पाथ फर्स्ट था। सेकंड पाथ में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जब हम सोडियम मेटल ली सॉलिड फॉर्म में और क्लोराइड गैस ली, इन दोनों को एक क्लोज्ड कंटेनर में बंद कर दिया और इनकी जो रिएक्शन हुई NaCl फॉर्म हुआ और इससे कोई हीट, क्यों, एनर्जी जो है वो रिलीज हुई, या कहे कि ये रिएक्शन की जो एंथैल्पी थी डेल एच वो मिली हमें। क्लियर यहां तक? ये पाथ आपका सेकंड है। पाथ सेकंड में हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट की, एक्सपेरिमेंट किया, हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया, सोडियम मेटल लिया और क्लोरीन गैस ली, इन दोनों को एक क्लोज कंटेनर में रिएक्शन कराई और NaCl बना। इस रिएक्शन में जो रिएक्शन एनर्जी है, रिएक्शन एंथैल्पी है, उसको हमने क्यू से डिनोट किया और ये जो क्यू था ये रिलीज हो रही है। ये जो स्टेप्स मिली हमें, ये एनर्जी रिलीज स्टेप मिली, एक्सोथर्मिक स्टेप मिली। अब देखो, मैं इन दोनों स्टेप्स में जो एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। किसके अकॉर्डिंग? हैज लो के अकॉर्डिंग। मैं इसको बॉन्ड हैबर साइकिल को इस फॉर्म में दिखा रही हूं। एक तरफ मैं एक्सपेरिमेंटल फॉर्म दिखाऊंगी और एक तरफ हम
हाइपोथेटिकल फॉर्म काम में ली थी वो फॉर्म दिखाएंगे। देखो हमने क्या किया, Na आपका सॉलिड था और हाफ Cl2 गैस था, क्लियर। इनसे हमने रिएक्शन कराई पाथ टू के डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटली फॉर्म में, क्या बना हमारे पास, एनर्जी रिलीज हुई माइनस क्यू और इससे क्या बन गया हमारे पास NaCl आयनिक सॉलिड फॉर्मेशन, NaCl का फॉर्मेशन हुआ, आयनिक सॉलिड बना। ये हमारा है पाथ सेकंड, ये फॉर्म थी। अब हम पाथ फर्स्ट पे चलते हैं। पाथ फर्स्ट में हमने सबसे पहले इसको सब्लिमेशन एनर्जी दी, ये Na गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और ये तो हाफ Cl2 ऐसे कैसे था, क्लियर। फिर हमने दी इसको आयनाइजेशन एनर्जी आईपी, ये प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और ये तो ऐसे के ऐसे गैस के फॉर्म में, क्लियर यहां तक। फिर हमने इसको डिसोसिएशन एनर्जी दी, डिसोसिएशन एनर्जी दोगे डी बाय टू, जिससे ये क्लोरीन जो है वो क्लोरीन एटम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये Na प्लस गैस प्लस में Cl गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी यहां से रिलीज हुई, इसमें जब आपने इलेक्ट्रॉन्स जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुई, रिलीज हुई। हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी थी एनर्जी, इसलिए यहां पे क्या साइन लगाऊंगी मैं, माइनस। मैंने बोला था जो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी प्लस साइन लगाएंगे, ये सब एनर्जीज इनके द्वारा अब्सॉर्ब की गई इस प्रोसेस में और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वहां पे हम माइनस साइन लगाएंगे। तो इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी रिलीज होती है, क्लोरीन गैस में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए E माइनस। क्या बना, Na प्लस गैस में कन्वर्ट हो गया प्लस में Cl माइनस गैस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये दोनों कंडेंस हुए और Na Cl की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, कंडेंस हुए और Na Cl की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और यहां पे लैटिस एनर्जी U, लैटिस एनर्जी U भी कैसी थी आपकी, प्रोडक्ट की फॉर्म में थी, मींस U की वैल्यू भी क्या थी, एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए माइनस है। ये आपके ये वाला यहां से लेके यहां तक आपका पाथ सेकंड था और यहां से ये वाला जो है ये पाथ फर्स्ट है। अच्छा इसको सेकंड बोला है तो ये पाथ फर्स्ट बोल दो, ये पाथ सेकंड और ये पाथ फर्स्ट। दोनों पाथ में जो टोटल एनर्जी चेंज है वो इक्वल होना चाहिए, क्लियर। टोटल एनर्जी चेंज जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो क्या होगा, माइनस क्यू किसके इक्वल होगा, देखो माइनस क्यू किसके, ये माइनस क्यू पाथ टू वाली एनर्जी है, पाथ वन में क्या हो रहा है, सब्लिमेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी थी, अब्सॉर्ब एनर्जी थी इसलिए प्लस साइन आया। फिर क्या आया, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी प्लस एनर्जी थी इसलिए यहां पे, ये भी एनर्जी अब्सॉर्ब एनर्जी थी इसलिए प्लस साइन काम में लिया। फिर डिसोसिएशन एनर्जी थी, ये भी एनर्जी दी जा रही है इसलिए प्लस साइन आया। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, ये एनर्जी रिलीज हो रही थी इसलिए हम माइनस साइन आया। और फिर लैटिस एनर्जी थी, लैटिस फॉर्म हो रहे थे तो भी एनर्जी रिलीज होगी तो भी माइनस साइन आया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लैटिस एनर्जी यू की वैल्यू निकालनी है, बाकी इक्वेशंस को उधर भेज दो,
यू आपका किसके इक्वल हुआ, ये इधर आएगा तो ये माइनस था प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये किसके इक्वल आया क्यू, ये माइनस था प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में एस प्लस आई पी प्लस डी बाय टू और माइनस की। इस इक्वेशंस का यूज करके हम किसकी क्या निकाल सकते हैं, लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बोर्न हेबर साइकिल से हम लैटिस एनर्जी यूज निकाल सकते हैं। लैटिस एनर्जी हमें दे दें तो हम सब्लिमेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी एक एनर्जी हम इस इक्वेशंस का यूज करके कोई भी क्या क्या कर सकते हैं, हम इससे आयनाइजेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, उस रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस बाकी डाटाज यदि हमें दे दे और केवल एक एनर्जी के बारे में पूछे तो हम इस बोर्न हेबर साइकिल का यूज करके वो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कल हम इस लैटिस एनर्जी से रिलेटेड बोर्न हेबर साइकिल का यूज करके लैटिस एनर्जी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।